गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, क्लास 9-10 तक आपको बहुत काम आएगा, आगे क्लासेस में तो काम आएगा ही। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, पहला रूल है लॉ वन, एल वन एल टू, यहाँ पर ये लिखा है एल वन मीन्स लॉ वन, एल टू मीन्स लॉ टू। ठीक है, एल फोर लॉज। ठीक है, एल वन रूल नंबर वन, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। इसका मतलब यह है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं और उनका बेस सेम है तो फिर उनके पावर को हम प्लस कर देते हैं। दो या दो से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, जब भी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और उनका बेस सेम होता है, बेस मतलब नीचे वाला नंबर जो होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो पावर ऊपर वाले नंबर होते हैं उसको हम पावर बोलते हैं, है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बेस अगर सेम होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, पावर्स को प्लस कर देना है। जैसे मतलब मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8, सबका बेस सेम है, सब में 3 है, तो हम इसके पावर को प्लस कर देंगे, 3 के पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, 4 और 2 6, 8 और 6 14, 3 के पावर 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई में पावर को क्या कर क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। कब प्लस करेंगे, जब बेस सेम हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो प्लस करेंगे। रूल नंबर टू, बेस सेम हो और डिवाइड कर रहे हैं तो फिर पावर को माइनस कर देते हैं, ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन इक्वल टू ए रेज पावर एम माइनस एन। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों जगह 6 है, 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 10, तो बेस सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, 6 की पावर 15 माइनस 10 6 की पावर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री सेज कि जब पावर की पावर होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए की पावर एम की होल पावर एन, डबल डबल पावर हो एक साथ तो मल्टीप्लाई करना होता है, ए की पावर एम इंटू एन आ जाए। जैसे यहाँ पे देखें 3 की पावर 4 फिर होल पावर 3 है, दो दो पावर है एक साथ, दो पावर या दो से ज़्यादा पावर अगर होगी तो उस केस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 4 इंटू 3 आ जाएगा, 3 की पावर 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 सेज कि दो नंबर आपके पास हैं जिनकी पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर है वो लिख देंगे उसमें। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 है, अगर इसको अलग अलग सॉल्व किया जाए तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आंसर आएगा, फिर 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आंसर आएगा, फिर 8 इंटू 125 करेंगे तब जाके ये 1000 आंसर आएगा। तो ये टाइम टेकिंग है, ज़्यादा समय लग रहा है और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इस प्रॉपर्टी को लगाएं तो बहुत ही आसानी से हो सकता है सॉल्व। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 की पावर 3, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 1000 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है, इसी तरह से अगर पावर सेम है और डिवाइड हो रहा है, ए की पावर एम डिवाइडेड बाई बी की पावर एम, तो फिर ये कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी की पावर एम, और यू कैन सी डैट ए डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर एम। जैसे यहाँ पर देखिए 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है, तो हम सीधे कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू पावर 3, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 5, 5 रेज टू पावर 3 125 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर लॉ नंबर 6, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0, 0 की पावर 0 दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। 0 के अलावा कोई भी नंबर अगर होगा तो फिर उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 0 1, x की पावर 0 1, हाफ की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, ठीक है, 0.5 की पावर 0 1। ठीक है, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा, 1। फिर लॉ नंबर 7 सेज ए रेज पावर माइनस एन इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एन,
मैंने आपको ये बताया था x की पावर n का मतलब क्या होता है कि x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। x की पावर 2 है तो x को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम इसको, x इंटू एक्स है ना। लेकिन अगर कभी पावर नेगेटिव आ जाती है तो फिर इसको माइनस दो बार तो नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, माइनस टू टाइम्स तो नहीं किया जा सकता है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पावर को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करना है, इसको नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, ए के पावर माइनस एन इक्वल टू वन अपॉन ए के पावर एन। फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पर आप ये देखेंगे 2 की पावर माइनस 3 है तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, 1 अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 × 2 1/8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कभी अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/a^n है तो इसका आंसर कितना है, a की पावर n आएगा। तो 1/2^-3 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2^3 और सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 2 × 2 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9। अगर फ्रैक्शन में है a/b^(-n) तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, b/a कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। जैसे 3/4^-2 है, इसका रेसिप्रोकल कीजिए कितना आएगा, 4/3^2। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 × 4 3 × 3 4 × 4 = 16 3 × 3 = 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट मैं करा रहा हूँ, बाकी 13.2 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 25 है, 25 को मैंने क्या लिख दिया है, 5^2। ठीक है, 25 = 5^2 और ये 5^2 यहाँ पर है ही, t^8 एंड 10^3 कैन बी रिटन एज 2 × 5^3 एंड t^4। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैंने क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5^4 कितना आ जाएगा, ये 5^4 t^8। अब इसको सेपरेट कर दो, 2^3 5^3 इंटू t^4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बेस सेम है इन दोनों का, इन दोनों का भी बेस सेम है, कितना आएगा, 5^4 - 3 इंटू t^8 - 4 डिवाइडेड बाई 2^3 5 − 5^4 - 3 4 - 3 कितना होगा, 1 5^1 हो चाहे 5 हो एक ही बात है। और t^8 - 4 कितना है, 8 - 4 आ गया, t^4 5 × t^4 डिवाइडेड बाई 2^3 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3^5 × 10^5 × 25 डिवाइडेड बाई 5^7 × 6^5। इसको मैं सिंप्लीफाई करना है, मैंने ये बताया था पावर सेम होता है तो उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3^5 इन तीनों नंबर का पावर सेम है तो हम इसको एक साथ लिख देंगे, 3 × 10^6^5 एक साथ लिख दिया इसको मैंने। ठीक है, और बाकी नंबर को अलग अलग लिख दिया, 25 है इसको लिख दिया 5^2 और 5^7 यहाँ नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10 तो ये कितना आ जाएगा, 5^5 इतना समझ आ रहा है आपको, 5^5 और फिर ये इंटू 5^2 / 5^7। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है तो 5^2 × 5^5 × 5^2 कितना आ जाएगा, 5^7 5^7 / 5^7 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो आप मुझे, आप उसमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।